अस्सलाम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी कोरियन चिकन नूडल की रेसिपी। जिसके लिए सबसे पहले मैं चिकन बनाऊंगी, उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन, इसमें मैंने डाला 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून पिसी काली मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ, और इसमें मैंने डाला 2 टेबलस्पून लेमन। अब इनको सबको मिक्स करके यहाँ मैंने लिया 1 कप कॉर्नफ्लोर, इसमें लगाती जाऊँगी इसको और फ्राई करती जाऊँगी, जिसके लिए मैंने तेल गर्म कर दिया। ये देखिए, बस इसको ऐसे करके मिक्स करना है और तेल में डाल देना, इस तरह से फ्राई चिकन फ्राई हो जाएगी। ये देखिए, चिकन फ्राई हो गई है। इस तरह से हमने सारी चिकन फ्राई कर लेनी है, इसके बाद देखते हैं आगे उसको हमने कैसे बनाना है। हम इसकी सॉस की तैयारी करते हैं। इसलिए अच्छा, अब मैं बनाने लगी हूँ इसकी सॉस, चिकन कोरियन चिकन। ये देखें, जिसके लिए मैंने 2 लहसुन की कलियाँ लाल करी, इसमें मैं डालूँगी 1 कप केचप, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ऑस्ट्रेशियर सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून तेल। ये सब डाल के मैं अच्छे से इसको भून लूँगी। जब ये मसाला भुन जाएगा तो इसमें मैं ये चिकन ऐड कर दूंगी। देखो, और इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून हरी प्याज। बस ये तैयार है, अब मैं इसको सर्व करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये नूडल्स के साथ भी खाए जाते हैं, ये राइस के साथ भी खाए जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोरियन चिकन के लिए नूडल्स। ये देखें, इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ऑस्ट्रेशियर सॉस। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गए, फिर जब सर्व होंगे तो ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसके राइस भी बताऊँगी आपको मैं कि कैसे इसके साथ राइस बनते हैं और फिर ये कैसे मतलब सर्व होगा। राइस भी इसी तरह से टेंगी बनेंगे थोड़े। बस ये रेडी है, अब मैं इसको सर्व करूंगी।
ये मैंने इसमें पहले डाल दिए नूडल्स, अब मैं डालूंगी इसमें अपनी सॉस। ये देखें इसमें मैंने सॉस डाल दी, ये बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, इसका टेस्ट स्वीट और थोड़ा सा सावर भी होता है हल्का सा, ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसे लगी कमेंट्स में।